now the question is like this. Design a DFA to check whether the decimal number is divisible by 3. And second question is, design a DFA to check whether a given binary number is divisible by 3. इन दोनों क्वेश्चंस में जो मेजर डिफरेंस है वो है कि एक केस में तो हम लोग बाइनरी नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं और दूसरे केस में हम लोग डेसिमल नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं. अब ये जो क्वेश्चन है दोनों दीज आर स्लाइटली डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू ऑल द क्वेश्चन दैट यू हैव डन टिल नाउ. अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं ये उन सब में थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उनसे डिफिकल्ट है. तो अगर आपको ये क्वेश्चन अभी ना समझ में आए तो आप कुछ और वीडियोस इसके आगे देखिए और फिर दोबारा से इस वीडियो को आके देखने की कोशिश कीजिए तो आपको ये जो क्वेश्चन है समझ में आएगा. इसके अलावा भी मैं अभी कुछ और भी एग्जांपल लेने वाला हूँ जो एग्जांपल्स काफ़ी इजी इससे कंपैरेटिवली थोड़े ईजी होंगे. तो अगर ये क्वेश्चन आपको अभी समझ में ना आए तो इसके आगे आने वाले दो तीन वीडियोज़ और आप देखिए, उसके बाद आप दोबारा से इस वीडियो पर आइए और फिर इस वीडियो को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है. तो यहाँ पर बोलता है डिज़ाइन अ DFA टू चेक वेदर अ गिवन डेसिमल नंबर इज डिविजिबल बाय 3. तो यहाँ पर हमने डेसिमल नंबर की बात की है, ठीक है. अब देखिए डेसिमल नंबर्स कौन कौन सी हो सकती है. डेसिमल नंबर इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 and so on. इस तरीके से वी कैन हैव ऑल द पॉजिटिव डेसिमल नंबर्स, ठीक है. अब जब किसी भी नंबर को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास तीन पॉसिबल केस हो सकते हैं. या तो आपके पास रिमाइंडर आएगा 0, या फिर आपके पास आएगा रिमाइंडर 1, या फिर आपके पास आएगा रिमाइंडर 2. जैसे कि अगर आप नंबर 0 को, 3 को, 6 को, 9 को और 12, 15 इस तरीके से इन नंबर्स को अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं, इन नंबर्स को आप 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो आपके पास आएगा तो रिमाइंडर विल बी, रिमाइंडर इज 0, तो रिमाइंडर आपके पास 0 आएगा. लेकिन अगर आपके पास नंबर्स हैं 1, 4, 7, 10, 13 and so on, इन नंबर्स को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बी 1. उसी तरीके से नंबर 2, 8, 5, 14 and we have 17 and so on, इन नंबर्स को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा रिमाइंडर 2. यानी कि आपके पास सिर्फ तीन केसेस बनेंगे, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 1 एंड रिमाइंडर 2. तो अब आपको इन्हीं तीन केसेस को लेना है कि अगर आप किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या रिमाइंडर आएगा और हर एक रिमाइंडर को मैं एक स्टेट से रिप्रेजेंट करने वाला हूँ. अब इस केस में ये इमेजिन करूँगा कि अगर आपके पास स्ट्रिंग की लेंथ 0 है यानी कि वो एप्सिलॉन स्ट्रिंग है तो वो उसको हम 3 से डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है. तो मैं हमेशा अज्यूम करूँगा कि स्ट्रिंग की लेंथ एटलीस्ट 1 होना चाहिए और इट इज़ ए डेसिमल स्ट्रिंग. तो डेसिमल नंबर्स यहाँ पर होंगे, यानी कि हमारे पास जो सिंबल्स हैं देयर आर समीशन इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. तो यहाँ पर हमारे पास इन टोटल 10 सिंबल्स होंगे, ठीक है. अब देखिए कैसे करेंगे इस फर्स्ट क्वेश्चन को. इनिशियल स्टेट आपके पास है ए. अब इनिशियल स्टेट में वी आर टेकिंग द इनिशियल स्टेट क्योंकि इस स्टेट का मतलब है कि हमारे पास स्ट्रिंग लेंथ 0 है यानी कि एप्सिलॉन स्ट्रिंग है. तो अब इस स्टेट के बाद हमें चेक करना होता है कि स्ट्रिंग लेंथ 1 होगी तो क्या होगा, स्ट्रिंग लेंथ 2 होगी तो क्या होगा, स्ट्रिंग लेंथ 3 होगी तो क्या होगा. तो जैसे कि मैंने बताया कि आपके पास सिर्फ तीन ही रिमाइंडर हो सकते हैं, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 1 और रिमाइंडर 2. तो हर एक स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, रिमाइंडर 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक स्टेट बनाऊंगा, रिमाइंडर 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक स्टेट बनाऊंगा, रिमाइंडर 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक स्टेट बनाऊंगा. जैसे कि एक की मैंने स्टेट बनाई एस नॉट, ये रिमाइंडर 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है. एक स्टेट बनाई मैंने एस वन, ये रिमाइंडर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है. और एक स्टेट मैंने बनाई एस टू, ये रिमाइंडर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है. अब बिकॉज उसने बोला कि इट इज़ डिविजिबल बाई 3, यानी कि अगर आप 3 से किसी नंबर को डिवाइड करो तो आपके पास रिमाइंडर 0 आना चाहिए. तो इस केस में हमारे पास जो स्टेट एस 0 है वो हमारे पास एक फाइनल स्टेट बनेगी, ठीक है. अब देखो अगर आप इनपुट 0, 3, 6 और 9 अगर आप देते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा. तो अगर हम इनपुट दे रहे हैं 0, 3, 6 एंड 9 तो आपके पास रिमाइंडर 0 आएगा. अब ध्यान दीजिए इस केस में मैंने 12, 15,
आगे वाले नंबर्स की समय पर बात नहीं करी, बिकॉज 12 और 15 अगर आप 12 को चेक करेंगे, 12, जो 12 नंबर है वो दो सिंबल्स के कॉम्बिनेशन से बना है, वो है 1 और 2, और जो हमारे पास इनिशियल जो सिंबल्स हैं पूरी लैंग्वेज के अंदर सिंबल जो हैं वो है 0 से लेकर 9 तक। तो अगर हम 1 और 2 की बात करते हैं तो 1 के बाद 2 एक सिंबल आ जाता है, तो वो एक डेसिमल नंबर के अंदर 12 बन जाता है, ठीक है। तो हम 0, 3, 6 और 9 अगर हैं तो वो हमारे पास 3 से डिविजिबल है। दूसरा, अगर रिमाइंडर 1 है तो कौन कौन से नंबर जो है जो रिमाइंडर जिनके अंदर रिमाइंडर 1 आएगा, दैट इज़ 1, 4 और 7। तो अगर हमारे पास इनपुट है 1, 4 और 7 तो उस केस में हमारे पास रिमाइंडर 1 आएगा। उसी तरीके से हमारे पास रिमाइंडर 2 किस केस में आएगा, अगर हमारे पास इनपुट है 2, 5 और 8 तो इस केस में हमारे पास रिमाइंडर 2 आने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या किया कि मैंने 3 स्टेट्स बनाई, हर एक स्टेट में चेक किया कि रिमाइंडर क्या होगा, अगर रिमाइंडर 0 है तो किस स्टेट में हम जाएंगे, अगर किसी नंबर को डिवाइड करने से रिमाइंडर 1 आएगा तो स्टेट में जाएंगे, और अगर किसी नंबर को डिवाइड करने से रिमाइंडर 2 आएगा तो स्टेट में जाएंगे। तो हमने 1 से 0 से लेकर 9 तक सभी नंबर्स को यहाँ पर ले लिया। अब उसके बाद जो हमारे पास नंबर्स होंगी जैसे कि 10, 11, 12, 13, 14, 15 इस तरीके से, तो वो जो नंबर्स हैं उस नंबर्स में हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमें किस स्टेट पर जाना है। जैसे कि देखो, अगर मैं नंबर 10 की बात करता हूँ तो 10 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो इस केस में हमारे पास रिमाइंडर आएगा 1, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम 11 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इस केस में जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा दैट इज़ 2। इसी तरीके से जब आप 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा हमारे पास 0, ठीक है। उसी तरीके से जब आप नंबर्स को इंक्रीज़ करते चले जाएंगे, जैसे कि 13 को 3 से डिवाइड कीजिए, 14 को 3 से डिवाइड कीजिए, 15 को 3 से डिवाइड कीजिए, फिर 16 को कीजिए, 17 को कीजिए, 18 को कीजिए, तो आप चेक करेंगे हर केस में जो हमारे पास रिमाइंडर्स हैं वो रिपीट होते चले जा रहे हैं। सो दैट इज़ 1, 2 और 0 और so on। तो रिमाइंडर हमेशा रिपीट होते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये 10 बना कैसे, अगर आप इसको लोड करेंगे टेप के ऊपर तो 10 आएगा 1 यहाँ पर और 0 यहाँ पर, तब हमारे पास 10 बना। तो इस केस में हमने ऑलरेडी 1 को देख लिया है, तो नेक्स्ट सिंबल जो आएगा हमारे पास वो होगा 0, यानी कि 10 जो है वो दो सिंबल के कॉम्बिनेशन से बना है जो कि है 1 और 0। हमारे पास अगर इनपुट 1 था तो हमने इमेजिन किया था कि हमारे पास रिमाइंडर 1 आने वाला है, लेकिन नेक्स्ट इनपुट अगर 0 है यानी कि हमारी एक नंबर बनती है 10, तो उस केस में जो हमारा रिमाइंडर है वो हमारे पास आएगा 1, ठीक है। तो अगर 1 के बाद हमारे पास 0 आए तो उस केस में हमारे पास रिमाइंडर बनेगा, उस केस में हमारे पास रिमाइंडर बनेगा 1। उसी तरीके से अगर हमारे पास 1 के बाद 3 आए तब भी रिमाइंडर 1 बनेगा, 1 के बाद अगर आपके पास 6 आए तब भी आपके पास रिमाइंडर 1 बनेगा। तो 0, 3, 6 और 9 इन सभी केसेस में आपका रिमाइंडर बनेगा 1, ठीक है। अब देखो हर एक स्टेट के अंदर हमें जैसे स्टेट के अंदर से भी हमारे पास 3 ट्रांजिशंस मिलेंगे सभी रिमाइंडर्स के लिए, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 1 और रिमाइंडर 2, ठीक है। अब इस स्टेट से एक सभी स्टेट को एक एक करके लेते हैं। पहले इस स्टेट के तीनों ट्रांजिशंस हम बनाएंगे, फिर स्टेट के तीनों ट्रांजिशंस हम बनाएंगे और फिर स्टेट के तीनों ट्रांजिशंस बनाएंगे। तीन ट्रांजिशंस क्यों, क्योंकि हर एक ट्रांजिशन एक रिमाइंडर के लिए, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 1 और रिमाइंडर 2। अब देखो जो पहला हमारे पास था एस नॉट, ठीक है, इस 0 के बाद 1 भी आ सकता है। जैसे कोई नंबर है हमारे पास 01, तो इसकी एक्चुअल में वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है ओनली 1। अगर 0 के बाद 1 आए तो रिमाइंडर हमारे पास 1 आएगा, ठीक है। तो इस 0 के बाद अगर 1 आए तो रिमाइंडर हमारे पास 1 आएगा, ठीक है। अगर 3 के बाद 1 आए तब भी रिमाइंडर 1 रहेगा, 6 के बाद 1 आए यानी कि 61 नंबर हो तब भी रिमाइंडर 1 आएगा, 9 के बाद 1 आए यानी कि 91 नंबर हो तब भी आपके पास रिमाइंडर 1 रहेगा। उसके अलावा अगर 0 के बाद 4 आए यानी कि नंबर बनेगी 4 तब भी रिमाइंडर 1 रहेगा, 3 के बाद 4 आए यानी कि 34 अगर नंबर होगी तभी रिमाइंडर 1 आएगा, अगर हमारे पास 64 होगी तभी रिमाइंडर 1 आएगा, 94 होगी तभी रिमाइंडर 1 आएगा। ऐसे ही 1, 4 और 7 अगर इनमें से किसी नंबर के बाद अगर 1, 4, 7 अटैच होता है तो उस केस में हमारे पास रिमाइंडर आएगा 1, ठीक है। उसी तरीके से जब आप एस नॉट स्टेट पर हो तो एस नॉट स्टेट के अंदर हमारे पास हमने रिमाइंडर 1 के लिए चेक कर लिया। अब देखो किस केस में हमारे पास रिमाइंडर 0 हो सकता है, अगर 0 के बाद दोबारा से 0 आए तब भी रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। 0 के बाद दोबारा से 0 आए तब भी हमारे पास रिमाइंडर 0 रहेगा, ठीक है। 0 के बाद 3 आए यानी कि नंबर 1 3 तब भी रिमाइंडर 0 आएगा, 0 के बाद 6 आए तब भी रिमाइंडर 0 आएगा, 0 के बाद 9 आए तब भी रिमाइंडर 0 आएगा, या फिर 3 के बाद 3 आए
3 के बाद 3 मतलब 33, 33 को 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा, 3 के बाद 0 आए, 0 को 3 से डिवाइड, 30 को 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा। उसी तरीके से 9 के बाद 6 आए, जैसे कि नंबर बनी 96, तो 96 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा। तो ये जो ट्रांजिशन है ये रिमाइंडर 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ट्रांजिशन जो है वो रिमाइंडर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसी स्टेट का एक और ट्रांजिशन बनेगा जो कि बनेगा रिमाइंडर 2 के लिए, ठीक है। अब देखो 0 के बाद 2 आएगा तो रिमाइंडर 2, 32 में रिमाइंडर 2, 62 में रिमाइंडर 2, 92 में रिमाइंडर 2। तो ये ट्रांजिशन है हमारे पास, ये है हमारे पास 2, 5 और 8, यानी कि नंबर हो 35, नंबर हो 65, नंबर हो 95, 35, 65, 95, तीनों केसेस में हमारे पास रिमाइंडर आएगा 2। तो इस स्टेट के लिए तीनों ट्रांजिशन ले लिए, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 1 और रिमाइंडर 2। उसी तरीके से इस स्टेट के लिए हमने ट्रांजिशन लिए है रिमाइंडर 1 के लिए, लेकिन इस स्टेट में अभी हमने रिमाइंडर 0 के लिए ट्रांजिशन नहीं लिया। अब देखो 1 के बाद अगर 2 आए यानी कि नंबर बनी 12, तो रिमाइंडर आएगा 0, ठीक है। तो 1 के बाद अगर हमारे पास आए 2 तो रिमाइंडर आएगा 0, ठीक है। उसी तरीके से 1 के बाद आए 5 यानी कि नंबर बनी 15, तब भी आएगा रिमाइंडर 0। उसी तरीके से 1 के बाद आपके पास 8 नंबर बनी 18, तब भी आपके पास आएगा रिमाइंडर 0। अब चेक करो 42 इज डिविजिबल बाय 3, सो रिमाइंडर 0, 45 इज डिविजिबल बाय 3, सो रिमाइंडर 0, 78 इट डिविजिबल बाय 3, दैट इज माई रिमाइंडर 0। तो इस स्टेट के लिए हमने रिमाइंडर 0 का ट्रांजिशन ले लिया, इस स्टेट के लिए हमने रिमाइंडर 1 का ट्रांजिशन ले लिया। अब इस स्टेट के लिए जो नेक्स्ट ट्रांजिशन बनेगा वो बनेगा हमारे पास रिमाइंडर 2 का। तो रिमाइंडर 2 कैसे आ सकता है, अगर आप 11 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, यानी कि 1 के बाद दोबारा से 1 आए तो रिमाइंडर 2, ठीक है। 1 के बाद दोबारा से 1 आए तो रिमाइंडर 2, या फिर 41 आए तब भी रिमाइंडर 2, 71 आए तब भी रिमाइंडर 2। उसके अलावा अगर हमारे पास 1 के बाद 4 आए यानी कि 14, नंबर 14 तो रिमाइंडर 2, नंबर 44 तो रिमाइंडर 2, नंबर 74 तो रिमाइंडर 2 एंड सो ऑन। उसी तरीके से अगर हमारे पास नंबर 7 आए तब भी आपके पास रिमाइंडर 2 आएगा। तो इस स्टेट के लिए हमने रिमाइंडर 2 के ट्रांजिशन ले लिया, रिमाइंडर 1 के ट्रांजिशन ले लिया और रिमाइंडर 0 के ट्रांजिशन ले लिया। अब ये जो लास्ट स्टेट हमारे पास बनी है इस केस में भी हमें रिमाइंडर 0, 1 और 2 तीनों के ट्रांजिशन लेने हैं। अब ये स्टेट खुद में रिमाइंडर 2 को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो इस स्टेट पर हम कब आए, जब हमारे पास या तो 2 आया हो, तो 2 को 2 के बाद अगर आपके पास 0 हो यानी कि नंबर 20, तब भी आपके पास रिमाइंडर 2 ही आएगा। तो अगर आपके पास नंबर 20 बन जाए, या फिर आपके पास नंबर 23 बन जाए, या फिर आपके पास नंबर 26 बन जाए, या फिर आपके पास नंबर 29 बन जाए, तब भी आपके पास रिमाइंडर 2 ही आएगा, ठीक है। तो यानी कि 20, 23, 26, 29 और 50, 53, 56, 59 और 80, 83, 86, 89 एंड सो ऑन। तो जिस भी नंबर में यहाँ पर पहुँचने के बाद अगर कुछ ये नंबर्स बाद में आती है तो इसके अंदर रिमाइंडर आपके पास इस समय पर 2 आएगा, ठीक है। अब इस केस में अब हमें रिमाइंडर 0 कब मिलेगा, देखो नंबर अगर आपके पास 21 हो तो रिमाइंडर 0, नंबर अगर आपके पास 51 हो तो रिमाइंडर 0, है ना, 81 हो तो रिमाइंडर 0, यानी कि रिमाइंडर 0 अगर आपके पास आएगा वो किस केस में आएगा, अगर आपके पास नंबर आए 1, 4 और 7, यानी कि 21, 24, 27, आपके पास 21 आए या 24 आए, 27 आए, तीनों केस में आपके पास रिमाइंडर 0 आएगा। तो हमने इसके लिए ट्रांजिशन ले लिया 0 रिमाइंडर 2 के लिए एंड ट्रांजिशन ले लिया रिमाइंडर 1 के लिए, 0 के लिए। अब इसका जो नेक्स्ट ट्रांजिशन बचा है वो बचा है रिमाइंडर 1 के लिए, ठीक है। तो रिमाइंडर 1 के लिए ट्रांजिशन क्या होगा, अगर हमारे पास 2 के बाद 2 आ जाए यानी कि नंबर आपके पास हो 22, तो रिमाइंडर होगा 1, या फिर 2 के बाद 5 आ जाए 25, या फिर 8 आ जाए 28, तब भी आपके पास रिमाइंडर होगा 1। अब ये जो कंप्लीट आपके पास एक DFA आया है, ये कंप्लीट DFA पहले क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि द डेसिमल नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 3, तो वो इस स्टेट पर जाएंगे और एक्सेप्ट होगा। अब इस केस में आपके पास कितनी भी बड़ी नंबर हो, जैसे कि नंबर अगर मैंने बोला नंबर है आपकी 432, या फिर आपके पास हो 1432, अगर आप 1432 को 3 से डिवाइड करेंगे तो देख लीजिए 3 into 4 इज 12, यहाँ से बचा 23, 3 into 7 इज 21, यहाँ से बचा आपके पास 22, और 3 into 7 इज 21, तो यहाँ से आपके पास बचा 1, यानी कि अगर आप इस नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर आएगा 1,
ठीक है। उसी केस में अगर आप इस नंबर को इस ट्रांजिशन टेबल में देखिए, देखिए आपको क्या हम स्टेट वन पर जाएंगे, क्या हमें रिमाइंडर वन मिलता है। देखो पहले आपने वन चेक किया स्टेट ए पर, तो वन से गए हम एस वन पर, फिर आपने फोर चेक किया, फोर से हम गए एस वन से लेकर एस टू पर, फिर आपने थ्री चेक किया, हम थ्री से एस टू से दोबारा से गए एस टू पर, और फिर आपके पास टू आया, टू से हम एस टू से गए एस वन पर, यानी कि हम इस पूरी स्ट्रिंग को रीड करने के बाद एस वन पर एंड हो रहे हैं, यानी कि रिमाइंडर हमारे पास वन है। मैं आपको फिर से एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि अगर आपके पास एक नंबर है 1431, अभी जो नंबर है 1431, अगर आप इस नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर आएगा 0, ठीक है। तो इसको इसके अंदर डालकर देखते हैं, ठीक है। पहला सिंबल आपने 1 को रीड किया, जब पहले 1 को आपने रीड किया तो हम स्टेट ए से लेकर स्टेट एस वन पर चले गए, ठीक है, अभी हम यहाँ पर हैं। फिर हमने इस 4 को रीड किया, तो हम स्टेट एस वन से लेकर हम लोग स्टेट चले गए एस टू पर, क्यों, क्योंकि हमने स्टेट एस वन से ट्रांजिशन हमारे पास 4 का जो कि स्टेट एस टू पर लेकर जा रहा है। उसके बाद फिर हमने इस 3 को रीड किया, जब आप इस 3 को रीड करेंगे यानी कि आप एस टू से दोबारा से एस टू पर आएंगे बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजिशन, तो हम दोबारा से एस टू पर चले गए 3 को रीड करने के बाद, ठीक है। अब उसके बाद जो लास्ट सिंबल है हमारे पास 1, अगर आपने यहाँ पर आप हैं और आपने 1 को रीड किया तो अब ये वाला ट्रांजिशन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 1 है और हम स्टेट एस जीरो पर चले जाएंगे, यानी कि ये जो नंबर है ये 3 से डिविजिबल है, ठीक है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेट, ये जो स्टेट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिमाइंडर है 0, ठीक है। तो ये जो एक एग्जांपल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है उन नंबर्स को, दैट दिस इज अ डीएफए फॉर द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 3, ठीक है। और इस केस में वी आर टेकिंग अ डेसिमल नंबर, राइट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिजाइन अ डीएफए टू चेक वेदर अ गिवन स्ट्रिंग, इस केस में सेकंड केस में वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बाइनरी नंबर्स व्हिच इज डिविजिबल बाय 3। अब बाइनरी नंबर्स के केस में ये जो पूरा डायग्राम होगा वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू डेसिमल नंबर्स, क्यों, क्योंकि बाइनरी नंबर में हमारे पास सिर्फ 2 सिंबल्स हैं विच आर 0 एंड 1, लेकिन हमारे पास डेसिमल नंबर में टोटल हमारे पास 10 सिंबल्स थे, दैट इज 0 to 9, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं नेक्स्ट वीडियो, हाउ टू सॉल्व द सेम क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ बाइनरी नंबर्स।